हेलो क्लास सिक्स स्टूडेंट्स, हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था मोशंस ऑफ अर्थ, उसमें जो हम लोग का एक पार्ट कंप्लीट हो गया था, इसके बाद हम उसमें पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ रेवोल्यूशन, यानी रेवोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें इफेक्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसमें वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे एंड द नाइट। इसमें पूरे वेरिएशन मीन्स इसमें बताया गया है कि किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, हमारे दिन और रात किस तरह से अलग होते हैं सूर्य के कि चारों जब परिक्रमा करते हैं पृथ्वी, उसकी वजह से। तो लिखा, इट मस्ट बी नोटिस दैट द सम सीज़न डे आर लॉन्गर देन नाइट, वाइल द अदर नाइट आर लॉन्गर देन डे। व्हाई इट इज डे एंड नाइट आर नॉट ऑलवेज सम ड्यूरेशन। दिस इज बिकॉज ऑफ अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, दिस इज एक्सिस ऑलवेज इंक्लाइंड एट द 66.5 डिग्री। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि कभी कभी आपने सोचा है कि कभी दिन बड़े होते हैं, कभी रात बड़ी हो जाती है, और किस वजह से होती है ऐसा, ये सब इसमें ही बताया गया है, क्योंकि जो सूर्य का परिक्रमा करती है हमारी पृथ्वी, उसकी वजह से ही होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो क्या है, झुकी हुई है 66 डिग्री पर, उसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, एट द इक्वेटर द वेरिएशन इज मिनिमम एंड द डे एंड नाइट एंड इक्वल इज लेंथ थ्रू आउट द ईयर। जो इक्वेटर होता है, ये पृथ्वी के चारों ओर, ये ना इक्वेटर, ये पृथ्वी को ये टू पार्ट्स में कर देता है, ये लिखा है इक्वेटर। इक्वेटर पे इक्वेटर हमेशा क्या हो रहा है, सेम पड़ता है, इसलिए इक्वेटर पे हमेशा दिन और रात क्या रहते हैं, पूरी साल इक्वल रहते हैं। ठीक, इसके बाद आता है, एट द पोल देर इज अ कंटिन्यूसली डे एट द सिक्स, वी मूव ऑलवेज फ्रॉम द इक्वेटर, वेरिएशन इंक्रीज एंड एट द पोल वेरिएशन इज मैक्सिमम। यानी कि जो वेरिएशन होता है, यानी कि दिन रात का छोटा बड़ा होना, वो क्या होता है, पोल्स की तरफ कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे एट पोल देयर इज अ कंटिन्यूसली डे फॉर 6 मंथ ड्यूरिंग द समर एंड कंसिडर डार्केस्ट फॉर द 6 मंथ ड्यूरिंग विंटर। यानी विंटर के समय पर 6 मंथ क्या रहती है, अंधेरा रहता है पोल्स पर, और 6 मंथ क्या रहता है, डे रहता है कब, गर्मियों के टाइम पर। ठीक है, ये इस वजह से क्यों, ये सब पृथ्वी की रोटेशन की वजह से होता है। ठीक है, अर्थ इज एक्सेस इज ऑलवेज इंक्लाइन द सेम डायरेक्शन एट पोजिशन ए। आप ये वाली पोजिशन को देख सकते हैं, इस पोजिशन पे हमेशा रहता है हमारा अर्थ जो है, इस पोजिशन में हमेशा रहता है। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा हुआ है, एट पोजिशन अ नॉर्थन हेमिस्फीयर इज इंक्लाइन टूवर्ड द सन, दस ऑल द प्लेस नॉर्थन हेमिस्फीयर विल हैव लॉन्गर डे एंड शॉर्टर नाइट, वाइल दिस शॉर्टन हेमिस्फीयर साउथर्न हेमिस्फीयर इट विल बी शॉर्टर डे एंड लॉन्गर नाइट एट द पोजिशन बी, दैट इज आफ्टर 6 मंथ जस्ट द ऑपोजिशन हैपन। तो यहाँ पर लिखाया गया, इस समय क्या हो रहा है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है हमारा, ये सन की साइड में झुका हुआ दिख रहा है इस समय। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इस समय यहाँ पर पूरा, इस समय जो हमारा नॉर्थ पोल है उसमें क्या रहता है, दिन बड़े रहते हैं और रातें छोटी होती हैं, उसका 6 मंथ में जस्ट अपोज हो जाता है। क्या होता है, तो ये वाला पोर्शन क्या हो रहा है, ज़्यादा सामने पड़ रहा है, ये वाला कम पोर्शन सामने पड़ रहा है। तो यहाँ पर साउथ हेमिस्फीयर पर क्या होता है, यहाँ पर दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं, ये पूरा इसमें लिखा हुआ था। उसके बाद आता है, डिस्ट्रीब्यूशन हीट एंड लाइट ओवर द अर्थ। अब अर्थ की जो राउंड है, हमें पृथ्वी गोल है, उसकी वजह से क्या होता है, द पोर्शन अर्थ विच इज़ टिल्टेड टॉवर्ड द सन रिसीव मोर डायरेक्ट लाइट रेज ऑफ द सन एंड अदर पोर्शन रिसीव सेनेटरी वे। इसका मतलब क्या बताया गया कि जो भी हमारी अर्थ है, सेलेक्टिंग स्टे स्प्रेड, इसका मतलब ये होगा कि जहाँ पे सूर्य की रोशनी सीधी पड़ रही है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, और जहाँ सूर्य की रोशनी थोड़ी सी तिरछी पड़ रही है, जैसे दिख रहा है तिरछी पड़ रही है, यहाँ पे ये तिरछी पड़ रही है, यहाँ पर क्या हो, थोड़ी सी गर्मी कम पड़ेगी, यहाँ कम पड़ेगी, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, चेंजेस ऑफ सीज़न। सीज़न कैसे चेंजेस होते हैं, अर्थ के रेवोल्यूशन से ही ये सब चीज़ें होती है। अर्थ क्या घूम रही है, किसके अराउंड, सन के अराउंड। तो क्या होता है, ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर विंटर स्प्रिंग ऑटम सीज़न। सीजन चेंज ड्यू टू द चेंजेस ऑफ पोजिशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन एट फिगर 3.6। 3.6 कौन सा है फिगर है हमारा, इसके बाद वाला है हमारा, ठीक है, उसमें हम देखेंगे आगे। उसके रहे यूनिक इक्वेट यानी यूनिकोस। अब आता है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स में क्या होगा, तुम्हारा 21 मार्च और 23 सितंबर द सन साइन वर्टिकली ओवर हेड द इक्वेटर मिडली मिड डे द डे एंड नाइट आर द इक्वल ड्यूरेशन। यानी जो हमारा इक्वेशन होता है, इक्विनॉक्स होता है, उसमें क्या होता है, हमारे दिन और रात दोनों क्या होते हैं, बराबर बराबर होते हैं, दिन भी उतना ही बड़ा होता है और रात भी उतना ही बड़ा होता है। ठीक है, इसमें पूरा यही बताया गया है। उसके बाद ये दो साल में दो बार ऐसी होगी, एक तो होता है 27 सितंबर को और एक होती है हमारी
21 मार्च को। इसमें स्प्रिंग सीज़न होता है हमारा, और इस वाले समय कौन सा सीज़न होता है, ऑटम सीज़न में होता है। दो सीज़न में ये वाली घटना होती है, जब हमारी क्या होती है, दिन और रात दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब एक नेक्स्ट आता है हमारा सोलिस्टिक्स। सोलिस्टिक्स मीन्स क्या होता है, इसमें क्या होगा, ऑन द 21 जून एंड द नॉर्थन एमस्फीयर इज टिल्टेड टॉवर्ड द सन, द रे ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द टॉपिक ऑफ कैंसर, दीज एरिया रिसीव मोर हीट दैन द एरिया दैट रिसीव द स्लैंटिंग रेज नियर द पोल, द पोल इज इंक्लाइंड टॉवर्ड द सन एंड द एरिया बिलोंग टू आर्टिकल आर्टिक सर्किल रिसीव कॉन्टीन्यूस डे एंड सिक्स। इसमें क्या होता है हमारा, इसमें पूरे इसमें साल भर में क्या होता है हमारे, वो 6 महीने क्या होते हैं, पूरे दिन रहता है, और 6 महीने पूरे दिन क्या रहती है, रात रहती है। तो 6 महीने दिन और 6 महीने रात जो है वो क्या पोल्स पर होती है। लेकिन इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं ये नॉर्थ पोल इंक्लाइंड टॉवर्ड द सन, इंक्लाइंड मीन्स झुका हुआ होता है किसकी तरफ, सन की तरफ, द एरिया बिलोंग्स टू आर्टिक साइकिल रिसीव कंटिन्यूसली डे, उस समय आर्टिक साइकिल पे क्या होता है पर कंटिन्यूसली दिन रहता है, अबाउट 6 मंथ, 6 महीने तक क्या रहता है, दिन रहता है। इन इट इज़ द समर इन द नॉर्थन हेमस्फीयर विद द प्लेस एक्सपीरियंस द लॉन्गेस्ट डे। लेकिन इस ड्यूरेशन में नॉर्थ पे तो पूरे दिन पूरा 6 महीने क्या रहता है, दिन रहता है, पर नॉर्थन हेमस्फीयर जो होता है हमारा, जो दो इक्वेटर दो पार्ट्स में करता है, उस नॉर्थन हेमस्फीयर में क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे मिलता है हमें, ठीक है। द शॉर्टेस्ट नाइट एट द ईयर ऑन द 21 जून, यानी 21 जून को क्या कहते हैं, कहते हैं ना बड़ा दिन है आज, तो बड़ा दिन क्यों होता है, उसमें नॉर्थन एमएसपी पे सबसे पूरा दिन क्या रहते हैं, दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। द साउथन एमएसपी आर द कंडीशन आर द जस्ट अपोजिट, और साउथन एमएसपी में कंडीशन क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है, वहाँ पे क्या होता है, द नाइट आर लॉन्गर, रात बड़ी होती है, एंड द डे शॉर्टर, डे क्या डे होता है, शॉर्ट होता है। द पोजिशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड समर सोलिस्टिक्स, इस समय क्या समर सोलिस्टिक कहलाता है, जो नॉर्थ हेमस्फीयर पे होता है। सेम क्या होता है फिर अगेंस्ट इसका क्या होता है, ऑन द 22 दिसंबर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रिसीव द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एंड द साउथ पोल इज टिल्टेड टॉवर्ड द सन। इससे समय 22 दिसंबर को क्या होता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो डायरेक्ट किसके अंदर में आता है, डायरेक्ट सन रेज पड़ती है वहाँ पे, और जो साउथन जो साउथ पोल है वो क्या टिल्टेड हो जाता है, टिल्टेड में झुका हुआ होता है किसकी तरफ, सूर्य की तरफ। द साउथन एमस्फीयर एक्सपीरियंस समर, उस समय साउथन एमस्फीयर पे समर होता है, एंड लॉन्गेस्ट डे होता है और शॉर्ट नाइट होती है, और इस समय क्या होता है जो हमारे अटलांटिक सर्कल है वो हैव कंटिन्यूसली डे लाइट एंड अबाउट 6 मंथ, वहाँ पर क्या था पूरा दिन क्या रहती है, वहाँ पर दिन रहता है, बाकी दिन क्या रहती है, रात रहती है, ठीक है। इसके बाद आता है इन द नॉर्थन हेमस्फीयर, इस समय नॉर्थन जो हेमस्फीयर होता है वहाँ पे क्या होता है, इस अपोजिट होता है, द विंटर सीजन, इन दिस विंटर सीजन द नाइट आर लॉन्गर एंड द डे आर शॉर्टर। इस समय क्या होता है नॉर्थन हेमस्फीयर पे क्या होता है, रात बड़ी होती है और दिन क्या होता है, छोटा है। दिसंबर इज द शॉर्टेस्ट डे इन द नॉर्थन हेमस्फीयर, द पोजिशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोलिस्टिक, और ये पोजिशन क्या कहलाती है, या ये घटना क्या कहलाती है, विंटर सोलिस्टिक कहलाती है इस टाइम पे। इस समय आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर दिएंगे। थैंक यू।